जोधपुर जिले से खबर है, चोखा सरपंच एक बार फिर निशाने पर। सरपंच की गाड़ी को चुराने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। पहले की गई बड़ी ही बारीकी से रैकी, कांच तोड़कर लॉक खोलने की कोशिश की गई, लेकिन चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चोखा गांव में लगातार इस तरह की चोरियां बढ़ रही हैं। एक महीने में आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदात हो चुकी है। और ये तस्वीर देखिए, एक बार फिर से कोशिश की गई थी, हालांकि कामयाबी मिली नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके अलावा इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बात को लेकर ग्रामीणों में रोष भी है। जोधपुर जिले के चोखा से आपको जानकारी दे रहे हैं, चोखा सरपंच एक बार फिर निशाने पर है। सरपंच की गाड़ी को चुराने की एक बार फिर से कोशिश की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी नजर आया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। पहले बड़ी ही बारीकी से रैकी की गई, कांच तोड़कर लॉक खोलने की कोशिश की गई, लेकिन चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो वहीं एक महीने में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात हो चुकी है। सरपंच की गाड़ी को पहले भी निशाने पर लिया था, यानी चोरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार दोबारा से वही कोशिश की गई, रैकी की गई, उसके बाद कांच तोड़ा जाता है, लेकिन जो मंसूबे थे वो सफल नहीं हो पाए हैं। अब मामला दर्ज किया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी है, इस आधार पर जांच की जाएगी। लेकिन ये जांच कितनी कामयाब होती है, चोर पकड़े जाते हैं या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है, या फिर इसी गाड़ी को चुराने की जो कोशिश है वो पहली कोशिश नहीं है। तो क्या जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, जिस तरह से चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं, एक महीने के अंदर आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं गांव में, तो ऐसे में क्या पुलिस अब एक्शन लेगी और इन चोरों को पकड़ेगी, ये देखना होगा।